बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे स्मार्ट, सबसे चलाक, सबसे कमाल का शो जिसका नाम है छड़ी के बच्चे आपसे अच्छे। अब ये शो क्या है? ये शो वो है जिसमें आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपया। कितने? 5 लाख रुपए नहीं, 50 लाख रुपया। वो भी कैसे, आइए चल के आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले घर बैठे जो हमारे लोग हैं वो जीत सकते हैं 50,000 रुपए। यकीन नहीं आ रहा? या अभी आपको यकीन दिलाते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते का हमारा जो सवाल था वो था ये, Which planet is the closest to the planet Earth? जिन लोगों ने इसका जवाब दिया है हमें #tag करके छठी के बच्चे आपसे अच्छे, वो आज जीत सकते हैं 50,000 रुपया। कुरंदाजी के जरिए एक ही नाम आया था और उसका आंसर सबसे पहले देखते हैं क्या है। वीनस, द आंसर इज वीनस। अगर आपने वीनस जवाब दिया है तो आप 50,000 रुपए जीतने वाले हैं। द लकी नेम जो आज 50,000 रुपए जीत रहा है वो है हानिया अली फ्रॉम कश्मीर। कंग्रेचुलेशंस हानिया, आप घर बैठे बैठे 50,000 रुपए जीत गई हैं। मां बाप कहते हैं कि बेटे ज्यादा टीवी ना देखा करो, कुछ नहीं होता, लेकिन टीवी देखने से आप 50,000 रुपए जीत गई हैं। इसे खवातीन और साथ ये वो शो है जहां आप घर बैठे बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं। अगर आपको 50,000 रुपए जीतना है तो प्लीज शो के एंड में एक और हमारा सवाल आएगा, गौर से देखिएगा, उसका जवाब आपने हमें देना है #tag छठी के बच्चे आपसे अच्छे करके, और क्या पता 50,000 रुपए आप जीत जाए। आइए आज के उन बच्चों को मिलते हैं जिनकी वजह से सारा ये रौला पड़ा हुआ है। बच्चे हाजिर हो। और जी हमारे बच्चे आ चुके हैं, सबसे पहले इन बच्चों से मिलते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम के साथ है जयान। जरहून आ नहीं सके लेकिन उनकी जगह आज सपनी पे आए हुए हैं मूसब। और फिर है तलबिया, हाउ आर यू? तलबिया के साथ है हमना। अच्छा जी, ये हमारे बच्चे हैं जो कि छठी का सिलेबस लेके आप हमारे सामने आए, हमारे कंटेस्टेंट्स के सामने। हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं और वो कह रहे हैं कि आज वो यहां से 50 लाख रुपए जीत के जाएंगे। क्या वो 50 लाख रुपए जीतेंगे? नहीं, क्योंकि लालच बुरी बला है। खवातीन हजरात, ये हमारा मोटो है, लालच वाकई बुरी बला है। लेकिन हमारे कंटेस्टेंट्स को समझ नहीं आती, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम अपने कंटेस्टेंट्स को मिलते हैं। खवातीन हजरात अदाकारी भी करती हैं, टिकटॉकर की दुनिया पे तो ये छाए हुए हैं। हमारी आज की दो कंटेस्टेंट्स आपके भरपूर तालियों में, प्लीज वेलकम अबिया एंड दुआ। आबिया और दुआ बच्चा लोग की फाइनल टीम में भी पहुंची थी और बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। कैसी हैं आप दोनों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूं। आप दोनों की दोस्ती हो गई? बहुत, हमेशा से ही थी, कभी लड़ाई नहीं हुई इत्तेफाक। हम क्यों लड़ेंगे? हम क्यों लड़ेंगे? बच्चों की लड़ाई थी ना, हमारी थोड़ी थी। हम लड़वा सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते। आपको तो पैसे मिल के जाहिर बात है क्यों लड़ाई होगी। लेकिन आज यहाँ पैसों की बात आ रही है तो आपने क्या डिसाइड किया है? 50-50, 30-70 या फिर 20-80 डिविजन हो? सर देखिये, हम बहुत अच्छी दोस्तें हैं तो हमने सोचा की हम 50-50 जो है वो आपस में बांट लेंगे। आप बहुत अच्छी दोस्तें हैं। दोस्तें, सहेलियां? सहेलियां या दोस्त एक ही बात होती है सर। दोस्तें, दोस्तें कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? ठीक है सर, हम बहुत अच्छी सहेलियां हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह से। वेरी नाइस, अभी पता लगेगा, पैसा बताएगा कि कितनी अच्छी सहेलियां हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको गेम भी बताता चलूं कि गेम क्या होती है। हमारे छठी के बच्चे जो है इनका सिलेबस आपके सामने आता है, उसी के अंदर से आपको 12 कैटेगरीज होंगी। 12 कैटेगरीज में से आप कोई सी 10 हमारे साथ खेलेंगी। सबसे पहले मैं आपको चल के कैटेगरीज दिखाता हूँ कि हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। आइए जी, कैटेगरीज दिखाइए। हमारे पास पर्सनैलिटी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एनिमल किंगडम है, सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, स्पोर्ट्स है, जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी है, साइंस है और रिडल है। और आई एम श्योर आप इन 10 सब्जेक्ट्स के 10 में
कमाल के नंबर लिए होंगे आप लोगों ने, है ना? बिल्कुल सर, हम तो टॉप करते थे ट्रस्ट मी। अच्छा वाकई, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था अभी सर? मेरा जी ड्राइंग, जब तो टॉप किया है मैंने। ओह तालियां सर। वैसे ड्राइंग जो है वो कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल हर किसी से आप कोई, इसलिए हमने हम लोगों ने वो सब्जेक्ट रखा ही नहीं हुआ जो आपका फेवरेट था। कोई बात नहीं सर। दुआ आपका कौन सा फेवरेट है? सारे ही सही लगते हैं सिवाय उर्दू के। हाँ, आप जो इंग्लैंड में पैदा हुई थी ना, यू आर बोर्न इन इंग्लिश, है ना? इसलिए यू उर्दू। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भी ना, मतलब आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम आगा खान बोर्ड, तो वहाँ पे इस्लामियात भी इंग्लिश में होता था, तो मेरी उर्दू हमेशा से ही थोड़ी सी ऐसी रही है। इवन कॉलेज में जब मैं गई थी तो वहाँ पे इस्लामियात उर्दू में था, बट स्पेशली मैंने इस्लामियात इंग्लिश में लिया था क्योंकि मुझसे पढ़ी नहीं जाती उर्दू। अच्छा, तो आपको उर्दू भी अंग्रेजी में पढ़ाई गई है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप दोनों के सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छे होंगे, मगर स्पोर्ट्स का शौक था आप लोगों को? तभी तो गेम शो करते हैं। स्पोर्ट्स का वाकई इनको बड़ा अच्छा शौक है। आज आप एज अ टीम आए हैं, तो आज आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप दोनों में से लीडर कौन है, या वन विल टेक द लीड और अदर विल फॉलो? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। खड्डा पे गया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत तहमुल के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ खेलने वाले हैं। वो तो मोहब्बत अभी देखी जाएगी खवातीनों, जहां पैसा आता है वहां मोहब्बत तो सबसे पहले आती है। लेकिन आपको ये भी बताते चले, हमारे स्कूल के अंदर जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, एक हमारा लाइब्रेरियन भी होता है, उसका काम ही होता है सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना। कोशिश कीजिएगा उसको ज्यादा मुंह ना लगाइएगा, लेकिन अगर आपने मुंह लगा ही लिया तो फिर मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये तो शक्ल देखने के बाद अंदाजा होगा ना कि मुंह लगाना चाहिए भी है या नहीं। चले आप उसकी शक्ल देखते हैं, फिर आइए चलते हैं अपने लाइब्रेरियन से मिलते हैं। शेबी दिल दीवाना फटा पजामा सीधो ना। हाय हाय, अरे वाह, क्या हाल है, कैसे हैं आप साहब, क्या हाल है? वाह वाह शेबी, आज वैसे वाकई ही आज आप रूटीन से ज्यादा मनहूस लग रहे हैं। क्या हुआ आज? ये क्या बात कर दिया? नहीं नहीं, बड़े प्यारे लगे। थैंक यू थैंक यू। आज आपने कुर्ता भी अच्छा पहना हुआ है। प्यारा नहीं बोले मुझे, मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को कहा था एक दफा, फिर मैं हो गया था। ओ अच्छा, तो जब उन्होंने कहा था कि आज आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे, फिर क्या हुआ? हम सात बहन भाई हो गए। अरे वाह, वेरी नाइस, आप सात बहन भाई हैं। अब्बा हजूर फिट हैं अभी तक? हाँ बहुत फिट हैं। अच्छा अच्छा जी जी। और बताएं कौन आया आज? आज हमारे पास दो बड़ी, अरे वाह माइकल जैक्सन आए, वाह यार हमारा शो हॉलीवुड तक पहुंच गया। ये अबिया हैं है? और अबिया के साथ दुआ है आप। अरे अबिया क्या हाल है, माशाल्लाह तुम्हारी नाक तुम्हारे हलक में झांक रही है। एक बात है, आप मुसलमान हैं? जी जी। तो आपको तो पता होना चाहिए कि पहले सलाम करते हैं, उसके बाद फिर तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खराब कर दें। नहीं वो आपकी ऑलरेडी सब कुछ खराब ही और, है। जी जी, और बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत खूबसूरत। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैदे की बनाई औरत। अच्छा ये बोल के आपने, आप कम जलें थोड़ा। आप लोगों ने देखा ना, बोल एंटरटेनमेंट में जब आप एंटर होते हैं तो एक बड़ा प्यारा सा सोफा है हमारा, एक एंट्रेंस पे पड़ा होता है, वो सोफा फट गया है, उसका कवर किसी ने उतार दिया। आज मैंने इनकी कोटी देख के मुझे अंदाजा हुआ कि वो सोफे का कवर कहां गया। यार ये नई चीज सीखी हमने यार। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी कोटी पहनी हुई। थैंक यू थैंक यू। मैं तो दूसरे देख ही रहा था, मैं कहा सोफा आ रहा है शायद, मगर आप थे वो। आपने बैठना है इस पे? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता इस पे, अगर मैं इस पे बैठ गया तो अंदर से रुई निकलेगी। और बताओ शेबी, मुझे बताया आज आप बड़े प्यारे लग रहे, आज हमारी दो कंटेस्टेंट्स को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं यही नसीहत दूंगा, कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती हैं लोग, क्या मतलब शो पे आएंगे? नसीहत भी अब हम इनसे लेंगे, तो हमेशा पैसे ही लोगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब आपको दिखा दें कि आप यहां जो आई हैं वो आप किस लिए आई हैं। आइए चल के देखते हैं मनी ट्री। मनी ट्री हमारा जो है वो ये है, अगर आपने पहले सवाल का जवाब दिया तो वो 5,000 रुपये आपको मिलेगा, और फिर 10,000 रुपये मिलेगा, फिर 25,000, 50,000 और फिर 1,00,000 रुपया। उसी तरह 2,50,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, 7,50,000 रुपया, 10,00,000 रुपया, फिर 25,00,000 रुपया, और अगर आपने 10 सवाल का जवाब दे दिया तो आप जीत सकती हैं 50,00,000। माशाल्लाह भाई भाई, आपने 50,00,000 तो कभी देखा है? जी जी मैंने देखे। कैसे होते हैं? कागज नुमा होते हैं। अच्छा जी जी, तो ये कोटी क्यों नहीं ले लेते? यार ये पता नहीं, मैं कपड़े उतार के क्या करूंगा, शो बता दिया। नहीं नहीं नहीं, आप कपड़े पहन के करें, मैं सिर्फ। अच्छा एक मिनट, जरा मुझे कोटी दे। अल्लाह रहम करे, इनका कुछ पता भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है, शुक्र मैं कोटी मांगी। मैं हमारी गर्ल से पूछना चाह रहा हूँ, ये देखें कोटी पहन के ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या कोटी उतार के ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? ये किसी भी हाल में अच्छे नहीं लग रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेड़ा गर्क हो आप। कोटी पहन ले, फैमिली शो है जी, पहनाएगा जी जी आप पहन।
हाँ इसको सीधे पहने और मुंह पे भी पहन ले जी। चले जी ये जब तक कोटी पहनते हैं हम अपने शो का आगाज करते हैं। ख्वातीन हजरात आप दोनों ने सबसे पहले 10 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी चूज करनी है। तो कौन सी पहली कैटेगरी है? पहला सवाल आपका 5,000 का है, फिर आपका 10,000 का है। एक ही कैटेगरी में से दो सवाल खेले जाएंगे। हमारे एक बच्चा आपकी टीम में आएगा, आपकी हेल्प करेगा। आपके पास 3 चीट्स हैं। नंबर 1 हमारी चीट है ताका झाकी। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा आप ताका झाकी कर सकती हैं। इसका मतलब है आपका जो टीम मेंबर होगा इनके साथ नहीं, जो बच्चा आएगा अजीब पागल जो बच्चा आएगा उस वो सवाल के जवाब देगा। आप ताका झाकी कर सकती हैं, मतलब चीटिंग हल्की सी। नंबर 2 जो है उसका नाम है छाप दो। आपको नहीं आता, जवाब नहीं आता, आपने कहा जी जो उसने जवाब दिए छाप दें, ठीक है जी। और नंबर 3 जिसका नाम है बचत। अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया है एंड यू आर नॉट श्योर कि इज इट करेक्ट और नॉट, तो आप बचत ले सकती हैं। इसका मतलब है आपका अगर गलत हुआ तो इनका सही सवाल काउंट होगा, लेकिन 90% ऑफ द टाइम दे आर राइट। बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। ओके समझी, इलिटरेट पीपल्स। अच्छा जी पहले हम कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगी। पर्सनैलिटी, इंग्लिश, मैथ्स, एनिमल किंगडम, सोशल स्टडीज, कल्चर, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, साइंस या रिडल्स। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जी जी जो सिर्फ बोल के चैनल में पाया जाता है। बताओ। क्या शुरुआत की आपने, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी जनरल नॉलेज, अगर आपने बजर दबा दिए तो लॉक हो जाएगा, बजर के बाद आई कांट हेल्प यू एंड यू कांट गो बैक। जनरल नॉलेज जवाब देने के बाद इसको ऐसे बजाना है जी, जब तक आप बजर नहीं दबाएंगी लॉक नहीं होगा। अब आप चूज करें जनरल नॉलेज किस बच्चे की अच्छी है जी। आज नहीं ज्यान पहले नहीं आएगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ आज ज्यान नहीं आएगा। ज्यान हर हमारे कंटेस्टेंट जो होता है साथ ही ज्ञान को सबसे क्या बात है रिश्वत। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। क्या बात है ज्ञान, तू हीरो है, पूरा हीरो है, मैं बता रहा हूँ तुझे। अच्छा जी ज्ञान ने आते साथ ही टॉफियां दी है। टॉफियों का इसका मतलब है कि 5 से 10 कैलोरीज आपकी बढ़ने वाली हैं। सर ज्ञान ने इतना अच्छा भी सबको एक सबक दिया है लड़कियों को जो है इज्जत देने का। आप देखें लोगों को सीखना चाहिए जिनको समझ ही नहीं आता। हाँ, जो लोग आके सलाम भी नहीं करते पहले बिल्कुल, और देखें बच्चे आके टॉफीज दे रहे हैं। नहीं सबको, मैं सबको कह रही हूँ सबको सीखना चाहिए, लोग सलाम भी नहीं करते ना। शरफ वेरी नाइस। यान आप बताएं कि आज आप हमारी 2 कंटेस्टेंट्स की मदद करने वाले हैं जी। ट्रॉफी तो आपने दे दी है लेकिन अगले 2 सवालों के लिए आप उनके साथ हैं। ओके जी आप लोगों का सवाल, पहला सवाल जी सर जनरल नॉलेज जी, जनरल इनकी अच्छी है जी, अच्छी है। एक सवाल मैं कर सकता हूँ जी, आप कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आस्तीन का सांप होता है जी, पैंचों का क्यों नहीं होता? आस्तीन का सांप होता है, पैंचों का क्यों नहीं होता? आस्तीन का सांप होता है, पैंचों का सांप क्यों नहीं होता, बताइए प्लीज टेल मी। मैं आपको इसका जवाब दे देता जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो सोफे में पाया जाता है। आइए जी सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर यू गाइस रेडी? आपका 5,000 का सवाल ये है जनरल नॉलेज का। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? एक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओए हाय हाय, ये लॉक भी कर दिया उन्होंने बजर, ये लॉक कर दिया। जवाब देने के बाद बजर बजाना है, उन्होंने लॉक कर दिया अपना जवाब। आप अपना जवाब बजाएं या नहीं बजाएं आपकी मर्जी, अगर आपको आता है तो बजा दे। क्या ओ जी, जवाब देने के बाद बजाना होता है सर। 118 Are you sure? मैं टाइम नहीं जाया करता, लॉक करें जी 118। Is it true or not? It is false. It is false. नहीं नहीं सर सच है। चलो ट्रू है, सच है भाई। वाह आते साथ ही 5,000 रुपए ले लिए। 5,000 रुपए दूं घर जाएं? नहीं 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 ऐसा कैसे, अभी तो आए हैं। तो फिर बजर दबा दे, अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। बजर दबा दिया, अगला आपका सवाल 10,000 रुपए का है। 10,000 रुपए का आपका सवाल ये है, व्हाट कंट्री ड्रिंक्स द मोस्ट कॉफी पर कैपिटा? ओए होए होए ओए, सारे कॉफी पीते, सारे कॉफी पीते बच्चे जी। दुआ आपने भी बजा दिया, इसका मतलब है जो अब आप जवाब देंगी यू कांट गो बैक। मैं तो सोच भी नहीं रही। अच्छा सर अगर जवाब गलत होगा हमारे पैसे जो है वो माइनस होंगे? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। भी नहीं मिलेगा आपको मैडम। आपको इसलिए मैं कहता हूँ बजर दबाने से पहले आप पैसे कैश आउट कर सकती हैं, लेकिन अब आपने बजर दबा दिया, अब तो 10,000 रुपया या आएगा या जो कमाया वो भी गया।
कॉफी पीती हैं आप? हाँ कॉफी पीती हैं, मांग मांग के पीती हैं। कौन सी कॉफी पीती हैं? मोका पीती हैं, कैपेचिनो पीती हैं, मोका लाटे पीती हैं, हेजलनट पीती हैं, या फिर सोफे पे बैठ के? सबसे महंगी बची हुई। बची हुई नहीं, नहीं वो तो आपके काम है ना। सबको आपने अपनी तरह समझा हुआ है शराब। ये असल में ना नहा के पानी जब इकट्ठा करते तो काला हो गया होता, तो ये समझते वो कॉफी है। वो पी आता हूँ मैं। ये बात। जी बताइए कौन सी कॉफी पीते हैं, ये बताना है। नहीं आपने जो इसका जवाब देना। अच्छा बता दिया, बता दूं मैं? हाँ हाँ बता दूं। फिनलैंड। फिनलैंड 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 क्या क्या फिनलैंड फनलैंड या फिनलैंड? फिनलैंड फिनलैंड आप कह रही हैं? फनलैंड नहीं आपने कहा? फनलैंड फिनलैंड फिनलैंड। अच्छा फिनलैंड जी। ओके गुड। कभी फिनलैंड गई हैं आप? नहीं सर। फिनलैंड नहीं आप? क्यों जाऊंगी मैं वहां पे? मैं क्यों वहां जाऊंगी? तो जाने की जगह नहीं है वो। हां है लेकिन मुझे नहीं जाना, मेरी मर्जी। मैं लेके चल रहा हूं। नहीं नहीं मुझे आपके साथ तो कतई कहीं नहीं जाना। चले मैं छोड़ के आ जाऊंगा। नहीं नहीं थैंक यू सो मच। चले फिर मैं भी रुक जाऊंगा। नहीं नहीं थैंक यू सो मच। चले यू आर वेलकम। ओके फिनलैंड आपने कहा, फिनलैंड लॉक करते हैं जी। फिनलैंड इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। यस मनी ट्री दिखाइए जी, कहां तक पहुंची हमारी लड़कियां मनी ट्री पे आते साथ ही 10,000 रुपया जीत गई हैं। मुबारक हो आपको। 10,000 रुपया अगर आपने बजर दबा दिया, 10,000 रुपया ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर आप कहती हैं मैं अभी आपको 10,000 रुपया कैश दे सकता हूं। नहीं नहीं सर, हम इंशाल्लाह आगे खेलेंगे। इंशाल्लाह आगे मतलब 25,000 रुपए के लिए खेलने के लिए तैयार हैं सर? अल्लाह वाले लाखों की रकम। बजर दबाएं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, फिर बजर दबाएंगे। ओके अब आपका 10,000 रुपया चला गया, अब आप 25,000 रुपए के लिए खेलने वाली हैं। मैं आपको ये बता दूं, जितनी जल्दी, जो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, या अक्सर जो बड़ी जल्दी जल्दी जल्दबाजी में हो रहा होता है ना, अक्सर टीमों में लड़ाइयां हो जाती हैं। और मतीरा हमारी बड़ी अच्छी गेस्ट है, आई थी और उसके बाद वो चली गई। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत तहम्मुल के साथ खेल रहे हैं। तहम्मुल के साथ वो किधर है? वैसे बजर आप ही दबा रही हैं उसके बाद, मतलब नहीं नहीं इससे पहले दुआ ने भी अपने इतने हसीन हाथों से दबाया था। चलिए 25,000 रुपए के लिए लॉक कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले तो ज़ियान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने दो टॉफियां दी। कोई सवाल अगर आपने करना है कर ले। वाह पी, मुझे आपसे ये सवाल है, टिकटॉक में जितने भी लोग थे अब वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, तो आप कुछ क्यों नहीं बन रही ये बताएं मुझे। आपको बड़ा पता है कि मैं क्या कुछ बन रही हूँ क्या नहीं बन रही। क्या बन रही हो बताओ, मेरी बेगम बन रही हो बता दो। ध्यान बच्चा बनो, अब्बा ना बनो। मेरी जिंदगी में ना अगर कोई आखिरी काम भी रह गया ना, तुम आखिरी इंसान भी रह गए ना, तो भी मैं तुम्हारी बेगम नहीं बनूंगी। हो जैसा ठीक लगे उसको। वाह वाह वाह, देखो एक मिनट एक मिनट, इस पे लूप होल एक है। उसने कहा अगर तुम आखिरी इंसान भी रह गए तो भी मैं तुम्हारी बेगम नहीं बनूंगी, लेकिन अगर दो तीन रह गए तो शायद। नहीं, यू आर माई फेवरेट। उम्मीद है। चलो और कुछ नहीं, भाई तो बना लेगी ना? हाँ वो तो मैं अपना एडजस्ट कर लूंगा। हाँ बस ठीक है। ओके ख्वातीन हज़रात, एक छोटी सी भाई लेते हैं, मेरे मतलब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे छठी के बच्चे आपसे अच्छे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Genie made Aladdin a rich man. People were amazed to see his wealth. Within a few days, Aladdin married the princess and bought her a new sofa. The sofa that resembled... Oh, sir, assalamu alaikum. Kaise hai? And welcome back from the break. Aap dekh rahe hain Chhoti Ke Bacche. Aap se acche. Jai Chhoti Ke Bacche. Aam 10,000 rupaya jeet chuke hain. Magar humne daav pe laga diye. हैं, लगा दिए। हाँ लगा दिए ऐसे ही। चले ज़ियान, थैंक यू वेरी मच ज़ियान के लिए तालियां जी। थैंक यू। अच्छा जी कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। जनरल नॉलेज में आपने दो सवाल 10,000 रुपए जीत गए। आई देखते कैटेगरी कौन कौन सी आपकी अगली। पर्सनैलिटी, इंग्लिश, मैथ्स, एनिमल किंगडम, सोशल स्टडीज, कल्चर, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, रिडल्स और साइंस। जनरल नॉलेज चली गई है, कौन सी अगली कैटेगरी खेलना चाहेंगी? सोशल स्टडीज। नहीं नहीं मुंह से निकल नहीं रहा, वही खेलेगी। दोबारा बोलना क्या खेलोगी? सोशल स्टडीज। नहीं नहीं सर, हम सोशल स्टडीज नहीं, हम वही खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे हम वो? अच्छा हम खेलेंगे लेकिन हम थोड़ा से बाद में खेलेंगे, अभी हम जाएंगे फिजिक्स की तरफ। कम पै गया है। अच्छा चलो
ठीक चलो दोनों बहनें दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्या हुआ हाँ। मान लिया करो अभी आप कभी किसी की बात मान लिया करो मैं मान सबकी बातें मानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मानती हैं तभी तो ऐसा हो रहा है क्या हुआ एग्री नहीं हो रहा डिसएग्री हो रहा है अभी तो एक ही ब्रेक हुआ है अभी तो 25,000 के ऊपर आ गए हैं अभी एग्री नहीं हो रहे क्या बताओ अच्छा आप क्या खेलना चाह रही हैं सोशल स्टडीज के साथ ही जा आप सोशल स्टडीज खेलना चाह रही हैं आप क्या खेलना चाह रही हैं फिजिक्स दोनों के सवाल मिक्स करके कर सकते हैं सर हाँ वैसे कर सकते हैं मगर बताइए आप लोग टॉस कर ले क्या खेलना चाह रहे हैं नहीं नहीं सर टॉस नहीं करेंगे डायरेक्ट फिजिक्स की तरफ जाएंगे ताकि हमारा टाइम अरे क्यों जाएंगे ऐसे ही चले जाएंगे अच्छा चले हम काट ले चलो जो अच्छा चले ठहरे 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 मुझे 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 एक बात बताएं अभी आप स्कूल के अंदर जी आप अपनी जो टीम थी या कोई आपका क्लब था या कोई कह लें कि जो स्कूल्स के अंदर क्लब्स होते हैं नॉर्मली लाइब्रेरी का क्लब होता है फिर वो स्पीच डिबेट का क्लब होता है उसकी आप कैप्टन थी नहीं सर अच्छा मतलब क्योंकि आप अथॉरिटी आप काफ़ी लेके आती हैं जब भी आप शो पे आते हैं आप अथॉरिटी लेके आती हैं अपनी तो आपको टीम वर्क में खुद कैप्टन बनने का टीचर थी ना इस वजह से शायद आपको ऐसा लगा स्कूल टीचर थी क्या पढ़ाती थी क्या पढ़ाती थी मैं क्या पढ़ाती थी सब कुछ पढ़ाती थी आप बताएं आपको क्या पढ़ना है मैं आपको से भी पढ़ाती हूं निका नामा पढ़ना है इनको इंसानियत का इनको इंसानियत का कायदा पढ़ा दें अच्छा तो मुझे बताएं कि आप स्कूल के अंदर आप हमेशा अपनी क्लास की लीडर थी मॉनिटर होती थी सर मैं क्लास टीचर थी नहीं स्कूल के अंदर भी क्लास टीचर थी अपने स्कूल में तो मैं सर नहीं कभी भी मॉनिटर मैं खुद से नहीं बनी क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था अच्छा जिम्मेदारी आ जाती है फिर आप खुद भी कुछ शरारतें नहीं कर सकते और आपकी स्कूल में सहेलियां आपकी स्कूल में सहेलियां ज्यादा थी कम थी सर बहुत कम बहुत लड़के कम। बहुत ज्यादा दोस्त थे मेरे दुआ आप स्कूल में कैसी थी लाइक थी या बिल्कुल बैक बेंचर मैं बैक बेंचर थी बैक बेंचर थी कितने फखर से कह रही है फ्रंट सीट पे बैठी थी सर सर बैक बेंचर होके भी आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ना बात खत्म अरे वाह क्या बात है जी यहाँ ये देखा ना बात की उन्होंने कि बैक बेंचर होते भी मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रही है ना सर अभी इनको अंदाजा हो जाएगा ना जब सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी वो एक औरत दूसरी औरत पे इल्जाम लगाते हुए यार वैसे हमें तो आज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह खुद ही क्रिएट हो रहा है अभी तक सर एक बात है शराबील को ना औरतों से ना बात करने की तमीज है और ना औरत का नाम लेने की तमीज है इतना तो मैंने नोट किया आपको तो हर किसी क्या है औरत क्या है व्हाट इज दिस इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आप उसको दे भी नहीं सकती थी आपको पता है ना व्हाट इज दिस औरत को कॉम्प्लीमेंट लेता है पूछते ना औरत क्या है क्या है औरत औरत गुलाब है तो मर्द उसको कॉलर पे लगाता है ओ और बताएं औरत रात का सन्नाटा है मर्द उसी सन्नाटे में भौंकने वाला कुत्ता है अच्छा शैबी एक मिनट यार अब उनको डिसाइड भी कर लेते बताएं क्या क्या खेलना चाहेंगी फिजिक्स सोशल स्टडीज हैं सोशल स्टडीज भाई क्या करना है यहाँ पे इनकी मान लेते हैं भाई देखिए जो बजर दबाएगा मैं उसी को जिसने बजर बजा दिया बजर नहीं दबाने दे रही वो देखो भाई जान बजर नहीं दबाने दे रही खवातीन हजरात सोशल स्टडीज इज लॉक्ड चला भाई आपकी दोस्त ने अभी आगे तो कोई सुनता ही नहीं हाय 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 अच्छा चले सोशल स्टडीज तो आपने लॉक कर ही दिया टीम वर्क की वजह से और हमें पता लग भी गया कि इस टीम में बहुत दम है तो बताइए कौन सा बच्चा चूज करेंगे या इसमें भी फटा होने वाला है इब्राहिम नाम है मूसब मूसब वेरी नाइस मूसब हाउ आर यू चलो आई एम फाइन कैसे है मूसब तैयारी पूरी है आज आपकी जी वेरी गुड अच्छा आपने अब इनके साथ दो सवाल खेलने हैं ठीक है क्योंकि इन्होंने सोशल स्टडीज चूज किया है सोशल स्टडीज के अंदर आपने इनकी हेल्प करनी है अभी तक इन्होंने एक भी चीट नहीं ली आपके तीनों की तीनों चीट्स अभी बाकी हैं सोशल स्टडीज का 25,000 रुपए का सवाल ये है इन विच कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज लोकेटेड आपने बजर ही दबा दिया नहीं तो तुमसे कुछ पूछ भी नहीं रही तो क्यों पूछूं जब मुझे आता है तो मैं जवाब दे दूंगी ना यार अगर उसको आता है भाई उसको पूछ सर जाहिर सी बात है जो लोग ओवर स्मार्ट बनते फिर वो मूखी खाते हैं मैं क्या बोलूं इस पे चलो खैर अगर दुआ चाहते हैं तो इसके जवाब भी यही देंगे फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्यों नहीं कोशिश करती दे नहीं तो मैंने इससे पहले जवाब दिए हैं दुआ मैं दे रही जवाब बच्चों लड़ना नहीं आराम मैं लड़ नहीं रही सर मैं बहुत प्यार से बात मैं भी नहीं लड़ रही सर बहुत प्यार से बात वेरी नाइस अब सामने वाला प्यार से बात करने के बजाय तंजियाना जुमले मार रहे तो फिर ऑब्वियसली सर बात तो फिर बनती है ना
सर अबीहा को तो हर किसी के जुमले ऐसे ही लगते अच्छा वैसे इत्तेफाक की बात है, अबीहा से सबको ही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मुझे नहीं, आप रह सकती है मेरे साथ। नहीं लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना। अभी अभी आपने ब्रेक से पहले कहा था कि जी हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें तो नहीं नहीं मैं ऑब्वियसली इनको अपना दोस्त मानती हूँ। मैंने कब कहा कि नहीं, मैं इनको अपना दोस्त मानती हूँ आज आज। अच्छा भाई अब आपने चूज तो कर लिया है और जवाब के लिए आपने बजर भी दबा दिया है, तो मैं तो आपको ऑप्शंस भी नहीं दे सकता जी। बताइए क्या जवाब है? ना चीड यूज कर सकती हैं आप। एशिया। एशिया। अच्छा एशिया कभी गई हैं आप? एशिया में तो नहीं। और तू चुप कर। कॉन्टिनेंट है सर। मैंने कहा पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, आपके हाँ मैं पैन एशिया गई थी खाना खाने। सर अगर जवाब अच्छा फिर अगर अच्छा एक मिनट एक मिनट दुआ मुझे बताया एशिया का कैपिटल क्या है? सर एशिया का कैपिटल कैसे हो सकता है, जैसे कराची का कोई कैपिटल नहीं हो सकता ना, वैसे एशिया का भी कोई क्या बात है भाई, तैयारी आज पूरी करके आई है। अच्छा जी आपने कहा एशिया, लॉक करें जी। एशिया के अंदर पाकिस्तान है, ट्रू और नॉट? वेरी नाइस, आप लोगों ने कमाल ही आज टीम वर्क का मुजाहिरा किया है। अगला सवाल भी आपका इसी का। मार रही है मुझे नीचे से ठुक ठुक करके यार। अब सर अब जब मेरे हाथ हैं तो चलेंगे भी, अब वायलेंस नहीं मारूंगी। मैंने नहीं मारा सर, वायलेंस नहीं, वायलेंस मार रही है। नहीं सर हाथ चलाने नहीं खेल लेंगे सर, इनको भेज दें हमारे बच्चों का। कहती है मुझे नहीं खेलना, इनको भेज दे। उफ तौबा, मेरी इतनी बेइज्जती हो ना, मैं शो छोड़ के चला हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह से जो है नहीं होता सर। ऑब्वियसली मैं इतनी देर से जो है वो दुआ के साथ मजाक ही कर रही हूँ, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। नहीं दुआ चल आपको सर, आप प्लीज यहाँ पे ब्रेक ले लें प्लीज सर। अभी ठहर जाए, अभी हमारा अगला सवाल भी आने वाला है। आपने चूज किया सोशल स्टडीज, है ना? सोशल स्टडीज का आपका एक सवाल का जवाब आपने दिया है, 25,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। अब अगर आप बजर दबाएंगी तो आप 50,000 रुपये के लिए खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मुझे लग रहा हालात तो हैं कि 25,000 दे दूँ अभी खेलेंगे। ओके खवातीन हजरात, 50,000 रुपये का आपका सवाल ये है। When did the Constituent Assembly pass the Objective Resolution? When did the Constituent Assembly pass resolution? ये काफी टफ है। जिसने बजाया बटन वही आंसर दे दो ज़्यादा अच्छा। अब जिसने बजर दबाया, पहली दफा शरबील ने कोई अच्छी बात की है। क्या बात है, जिसने बजर दबाया है, जिसने चोंच दी है, दाना भी वही देगा। अब लगता है कि एक चीट लेना ही पड़ेगा। करो अब करो और करो। सफेद लड़की भाई सोचने दो उसको, क्या हो गया? जी जी जी। अच्छा इसका जवाब आता है वैसे, कुछ आइडिया है? हाँ कंफ्यूज हूँ थोड़ी। कंफ्यूज हो किस चीज में? डेट में थोड़ी सी, एक मिनट याद करने में बता। डेट में आज थी डेट? डेट में मैं डेट में कंफ्यूज हूँ, मैंने कहा अच्छा आज तो नहीं थी। और अभिया ने एक और बजर दबा दिया। अभिया आपने बजर दबाया ना? नहीं मैंने दबाया। अच्छा आपने दबाया, हाँ जाहिर बात है क्योंकि अभिया तो यहाँ सिर्फ खड़े होने के लिए आई हुई है, मतलब वो भी गेम खेल रही है, उसको उससे भी कुछ हेल्प वगैरह। अगर उन्हें आता नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? खवातीन हज़रात आते साथ ही एक और लो ब्लो। अच्छा जी तो आप बताइए 12 मार्च 1949 को रेजोल्यूशन पास हुई थी। अल्लाह रहम करे। 12 मार्च, बड़े स्पेसिफिक डेट बताइए। अच्छा जी इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। अब बाकी शो अभिया खेलेगी। अभिया मुझे बताइए, सबसे पहले तो मनी ट्री की तरफ जाते ताकि आप लोगों का थोड़ा सा मूड बेहतर हो। मनी ट्री दिखाइए जी, मनी ट्री। मनी ट्री में आप लोग पहुंच चुके हैं 50,000 रुपए की तरफ, वेरी गुड। अच्छा आप जरा थोड़ा सा, क्योंकि अगला जो है वो लाख रुपए के लिए जा रहा है, लाख रुपए। मगर मैं देख रहा हूं कि टीम के अंदर जो एक थोड़ी सी फाइट आ रही है, कशिश आ रही है। सर फाइट नहीं हो रही, बट ऑब्वियसली जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको दूसरे वाले की बात से इत्तेफाक करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप जो है वो खुद ही से अपने फैसले लिए जा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अभी है इत्तेफाक तो आप भी कर सकती हैं। मैं इत्तेफाक ही कर रही हूँ इतनी देर से, वरना मैं यहाँ पे खड़ी नहीं होती। वो तो दिख रहा है किस तरह से इत्तेफाक कर रही हैं अभी आप। जी बिल्कुल।
अच्छा देखिए आप लोग ऐसे टीम आए थे, आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि कौन लीड करेगा कौन? नहीं नहीं सर, लीड करने की बात ही नहीं है, जब दो लोग खेल रहे होते हैं तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलना चाहिए। तो सर मैं तो फायदा ही सोचूंगी ना, जब मुझे एक चीज आती है मुझे पता है कि आई कैन डू दैट। अगर हम कैश प्राइज जीत भी रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं जीत रही ना, इनके लिए भी जीत रही हूँ। आसान कर रहे हैं आप इस पे, आसान जो 50,000 रुपया अभी तक आप लोग जीत चुके हैं, 25,000 रुपया आप लोग का डिवाइड हो रहा है, बड़ा अच्छा आप खेल रहे हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है दुआ ने अभी जो बजर दबाया था उन्होंने दोनों सवाल बड़े अच्छे हैंडल किए। मगर अब अगला मेरा ख्याल है फिजिक्स खेलना चाहेंगी। जी सर। अब आप अगला फिजिक्स खेलना भाई क्यों फिजिक्स नहीं खेलेंगे भाई? वो अगर एक मिनट आप अगर उसके ऊपर नहीं ट्रस्ट कर रही, जिसने उसने आप पे ट्रस्ट किया आप उसको भी ट्रस्ट करने दें। सर मैं इतनी देर से फिजिक्स का कह रही हूँ तो क्यों नहीं सुन रहे तुम्हारी? एक ही दफा मैंने बताया था कि जो अच्छा सुने 50,000 रुपया ले मेरे से अभी, क्योंकि बजर आपने नहीं दबाया तो अभी आप लोगों के पास 50,000 रुपया कैश है। अगर आपने गलती से बजर दबा दी तो ये 50,000 रुपया चला गया, ठीक है ना? अब मुझे बताएं आप लोग क्या करना चाहते हैं, 50,000 रुपया ले के जाना चाहते हैं या फिजिक्स खेलेंगे? सर आगे क्यों नहीं खेलेंगे? खेलेंगे तो फिर बजर दबाएं ताकि 50,000 रुपया चला जाए, लेकिन उससे पहले जो है हम 50,000 रुपया चला जाए कि हाथ रख दिया 50,000 50,000 रुपया गया। ख्वातीन हजरात तालियां। ऑलराइट 50,000 रुपया आपका गया। अब भाईजान थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने इनसे बिल्कुल हेल्प नहीं की, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने हेल्प मांगी नहीं, मैं क्या करूं? देख मुझे हेल्प ही नहीं मांगी। अभी तुम यहाँ भी आके खड़ी हो सकती हो, छोड़ दो उसको, दफा करो, वो अकेले खेल। अच्छा जी कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से कैटेगरीज हो चुकी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जनरल नॉलेज खेला और उसके बाद आपने खेला सोशल स्टडीज। 50,000 रुपये आप जीत चुके हैं। हमारे पास बाकी कैटेगरीज जो बची है वो आपके सामने है। कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगी? फिजिक्स। ये चीज नहीं क्यों भाई, उसको फिजिक्स आती है, भरोसा है अपने ऊपर, उस पर ट्रस्ट करो। सर मैं इतनी देर से फिजिक्स ही बोल रही हूँ, इसके बाद हम आगे भी खेल लेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। आप बजर दबा सकती है अगर आपको फिजिक्स पे इतना कॉन्फिडेंट। ओ क्या पर्सनालिटी खेलेंगे। अब तो ये क्या आम बेचने आई हैं यहाँ पे, प्लीज ब्रेक ले लें सर। अच्छा आपने बजर दबाया और आपने कहा पर्सनालिटी, वो फिजिक्स खेलना चाह रही थी, आपने क्यों नहीं बजर दबाया कि मैं फिजिक्स खेलना चाह रही हूं? वो दबा सकती थी, उन्होंने नहीं दबाया, मैंने दबा दिया क्योंकि मैं आपसे बात कर रही थी ना, इसलिए मैंने बजर नहीं दबाया था। अच्छा अब तो लॉक हो गया, आपने पर्सनालिटी लॉक किया। कंटिन्यू कर लें प्लीज। अच्छा पर्सनालिटी के अंदर अब आप 50,000 रुपए आपने लगा दिए दाव पे, अब अगर सवाल का सही जवाब दिया तो आप 1,00,000 रुपए जीत रही हैं, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो क्या होगा? ओके वाह वाह वाह, अच्छा इफेक्ट निकाला इन लोगों ने। अच्छा जी पर्सनालिटी के लिए कौन सा बच्चा आप हेल्प करेंगी या ये भी आप खुद चूज करेंगी? जवाब बताओ जी, किस किस बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी है? अभी आप बताएगी सर वो पिंक शर्ट, हमना नाम है उसका। जी भाई जान आप दोनों में जब मीडियम है तो आप लोगों का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है? कौन सा माना आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड? अभी तक तो कोई भी नहीं बना। ये नहीं कहेगा कि आप दोनों सब पहले से ही हैं। मीडिया में आप दोनों का कोई फ्रेंड है? मीडिया में फ्रेंड है कोई आपका? हाँ मेरी तो बिया बेस्ट फ्रेंड है, है ना? ओह माय गॉड अभिया। ओह नाइस। बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हैं आप तो। ओए 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 मुझे लग रहा है ब्रेक के बाद कुछ होने वाला है। अच्छा जी ख्वातीन हज़रात आपके पास हमने आ चुकी हैं अगले दो कैटेगरीज के लिए, अब आपके साथ हैं। आपने लॉक किया पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का 1,00,000 रुपए का सवाल, बहुत बड़ी बात है भाई जान। 1,00,000 रुपए आपने तो देखा हुआ, बहुत बहुत भाई ठीक है, दूसरों की जेबों में। हाँ आपकी जेब में कितना आया है अभी? आप देखें मेरा एटीट्यूड चेक कर रहे हैं जी जी। 135 रुपए पड़े हैं जेब में। हाय हाय, तो 135 रुपए आप मेरे से और लें और ये जैकेट चेंज कर लें। नहीं भाई ये नहीं सुधरेंगे। अच्छा भाई जान आपने लॉक किया पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का आपका सवाल ये है। The way to get started is to quit talking and begin doing. Aha. The way to get started is to quit talking and begin doing. Bada mazedar quote hai. Haan ji mujhe aa gayi awaaz, aa gayi bas theek hai, aa gayi awaaz. Bada mazedar quote hai. Kis personality ne ye quote kaha tha? Dua batayegi.
दुआ बताएगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है पंगा दुआ ने लिया। फिजिक्स बाहर निकाल दी और उसने कहा मैं पर्सनैलिटी खेलना चाहूंगी। चीट ले सकते हैं हम? हाँ जी ले सकते हैं। नहीं नहीं क्यों चीट लेंगे, अब तो आपको जवाब देना है। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज ही हो रही है, इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो भाई गेम है, हम चूज करेंगे, कंफ्यूज होंगे तो चीट रखिए किस लिए। नहीं ऐसा नहीं होता दुआ, हम अपने ऑप्शंस क्यों जाया करें इस सवाल के लिए। आपने बताया तो आप दें तो आप चीट लेने नहीं देने। नहीं दबा दिया सर आप, और इन्होंने बजर दबा दिया, इन्होंने बजर दबा दिया। बोल लिया सर क्या कह रही है? मुझे तो लग रहा है कि तुमने ना बजर के ऊपर अब ताला लगाओ। प्लीज यहाँ पे ब्रेक ले, देखिए इन्होंने इतनी जोर से बजर दबाया है मेरे नाखून भी लगा है, ये खेलने का कोई तरीका नहीं होता। अच्छा अब आपने बजर तो दबा दिया, इसका मतलब आपने चीट ले लिया, अब आप चीट लेंगी ताका झाकी। ओके ताका झाकी क्यों, अपनी मर्जी से नहीं लेती? नहीं पहली चीट है ही ताका झाकी। तो ताका झाकी में है क्या? ताका झाकी में यहाँ वॉक करके आए, इनका आंसर देखें क्या है। आप मेरे में झाके आए, तुम में क्यों झाकू मैं? भाई जान शैबी जरा साइड पे हो जाए चले। ये आंसर है तो अकेले खेल लिया। वाह 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 वाह, हंस भी रही है, दांत भी निकाल रही है। क्या हुआ मेरी फोटो देख ली क्या? जी दुआ क्या है आंसर? वॉल्ट डिज्नी। ओके तो आपका ख्याल है कि ये जो कोट है ये वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, क्योंकि हमना ने वॉल्ट डिज्नी इसका आंसर दिया हुआ है। ओके देखते हैं 1,00,000 रुपए के लिए ये वॉल्ट डिज्नी करेक्ट है कि नहीं। आइए जी दिखाइए 1,00,000 रुपीज के लिए, इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। 1,00,000 रुपए तक आप लोग पहुंच चुके हैं। आइए मनी ट्री देखते हैं और अभिया का मूड भी देखते हैं। हाँ 1,00,000 रुपए आप जीत चुके हैं, एक चीट भी आपका चला गया, आपके पास 2 चीट्स बाकी हैं। अगर मुझे कहे तो 50,000 रुपए आप दोनों को देता हूँ। नहीं क्यों खेलेंगे आगे? खेलेंगे आगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप क्या करना चाहती हैं? खेलेंगे आगे आप? सर दुआ खेल तो रही है। दुआ खेल तो रही है। मैं क्यों खेलूं, सावन की आग जल रही है। जी अभिया मूड सही करें, कुछ नहीं होता। मूड आपकी, आपका टीम मेंबर है, आप उसको कंट्रोल करें। अलग ही अजीब मूड ढीला छोड़ दिया। शैबी जी जा उनको हंसाएं अभिया को। जी 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 मेरा कुछ ही बच्चा। अच्छा अभिया मुझे बताएं अगली कैटेगरी अब आपके पास आ रही है कौन सी कैटेगरी? अब पहले तो बजर दबाएं कि अगर आप बजर भाई फिजिक्स है, अब फिजिक्स है। ओके 1,00,000 रुपया गया भाईजान आप। वेरी नाइस शरारती मियां मिट्ठू दुआ, आपने 1,00,000 रुपया डुबो दिया। अब आप ऑटोमेटिकली खेलने लगी हैं 2,50,000 रुपए के लिए। आप दोनों का फेवरेट कलर कौन सा है? अबे यहाँ फड्डा हुआ है, उनका कलर कोई फड्डा नहीं हुआ। अगर अभी इतना दिल पे ले रही है तो मैं कुछ कर थोड़ी सकती हूँ सर। ये वो ये पहले जो है। अच्छा अभी आप मुझे बताएं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की टीम जो है वो माशाल्लाह बड़ी टूट चुकी है। सर आप देखो एक बात बताएं, कुछ भी नहीं है। मैं आप देखें अगर आप भी किसी के साथ खेल रहे होते कोई गेम तो ऑब्वियसली आप भी कहते कि पहले तुम डिसीजन ले लो फिर मैं लूंगा। लेकिन अगर कोई आपकी बात दुआ आप एज ए टीम यहाँ आई आपको चाहिए आप अपनी टीम में। लेकिन सर आप एक बात बताएं, क्या मैं अब तक मैंने कुछ गलत खेला या कुछ ऐसा किया? खेल अच्छा आपने चीट लिया है तो सही है, वो गेम का पार्ट है। तो अगर आपको जवाब आता था तो फिर आप नहीं करते ना वो वाला, उस तरह से यूज नहीं करना चाहिए था। आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? सर मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी चली जाऊं, मैं क्या कंटिन्यू करूंगी। ओके सब गलती दुआ की। अच्छा सुने मेरी बात सुने, आपने 1,00,000 रुपया अब मैं आप लोगों को देने वाला था मगर मैं वो भी नहीं दे सकता क्योंकि माशाल्लाह दुआ ने बजर दबा दिया हुआ है। अब वो 1,00,000 रुपया आप लोग का चला गया है, अब आप लोग को अगला सवाल तो खेलना पड़ेगा। मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे? सर फिजिक्स। नहीं भाई क्यों? सर मुझे नहीं खेलना, आप प्लीज दुआ के साथ आप बजर दबा दे अगर इतना ही है तो फिर फिजिक्स। प्लीज दुआ के साथ। नहीं सर वो बजर भी तो नहीं दबा रही है ना। आप कंटिन्यू कर सकती हैं, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं खवातीनों का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रूठी हसीना, मेरा मतलब है छड़ी के बच्चे आपसे अच्छे। हेलो उसको रोको, हेलो
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। अभी काफ़ी एक सीन क्रिएट हुआ यहाँ, हमारे पास आज दो कंटेस्टेंट्स आए थे, अभिया एंड दुआ, एंड दोनों एज अ टीम अपेयर हुए थे, लेकिन दो दूसरी ब्रेक के बाद ही थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। मुझे इस चीज़ की बड़ी ये दुख हुआ कि अभिया के अंदर इतना भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था कि शी एक्चुअली वॉक्ड ऑफ द शो। अगर आप लोगों को अपनी टीम से इतना ही प्रॉब्लम था तो आप लोगों को डिसाइड करके आना चाहिए था, बिकॉज देखें हम लोग यहाँ एज ए टीम लोगों को बुलाते हैं और हमारा मकसद होता है कि आप लोग एज ए टीम परफॉर्म करें। आप एज ए टीम परफॉर्म स्टार्टिंग से ही नहीं कर रहे थे। अगर आप लोगों को अंदर इतने ही डिफरेंसेस और इतना ही इख्तलाफ आते तो आप लोगों को टीम बनानी नहीं चाहिए थी, बिकॉज आप लोग बच्चों के लिए भी एक बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं। आप लोग वॉक ऑफ करके चले गए शो से, दिस इज़ वेरी हाईली अनप्रोफेशनल। आप लोगों को ये चीज़ें खुद डिसाइड करनी चाहिए थी। हर एक टीम के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन शो को छोड़ के जाना इस तरह, सर मैं तो शो छोड़ के नहीं गई ना, बाय द वे आई एम सॉरी। आप छोड़ के नहीं गई, लेकिन आप उसकी हेल्प भी नहीं कर रही थी ना। आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड एंड आई कांट हेल्प इट, पर अभी मैं अभिया के लिए खेल रही हूँ और मैं उसको उसका 50% जरूर भिजवा दूंगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको 50% भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक टीम मेंबर ही नहीं यहाँ है और अगर उसके अंदर इतना स्पोर्ट्स स्पिरिट भी नहीं है। नहीं सर, दोस्त थी, हम साथ सोच कर आए थे, तो मैं जरूर भिजवाऊंगी उसे उसके 50%। नहीं, अब मैंने देखिए जैसी ब्रेक हुई है हम लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की है कि भाई आप जो भी है यहाँ शो करने आई हुई है, एक शो के अंदर ऐसे टीम आई है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट इतना तो इतनी तो आपके अंदर कर्टेसी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट वो शो तो पूरा करें। आप वो भी नहीं, शो भी नहीं पूरा किया और आप यू एक्चुअली वॉक्ड ऑफ, क्या बोल सकते हैं। आई थिंक आप दोनों को एज ए टीम नहीं आना चाहिए था, आप लोग इंडिविजुअल आ जाते वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आप लोगों के अंदर बिल्कुल केमिस्ट्री वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं थी। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपने अभी तक 1,00,000 रुपए जीत चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो अब खेलेंगी वो अपने लिए खेलेंगी, अभिया के लिए ना खेलिए, क्योंकि आपने अब जो कुछ करना है वो आप अभी तक जितने भी आपने सवाल के जवाब दिए आपने ही दिए, अभिया ने कोई भी नहीं दिया था। आई थिंक 5 या 10,000 रुपये का था, तो उसमें से 5-10,000 रुपये दे दे, बाकी तो आप खुद खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। और आइंदा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे शो पर वही लोग आएँ जो एज ए टीम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एज ए टीम नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमारे शो पर ना आए, डोंट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। अच्छा, 1,00,000 रुपया हो चुका है आप लोगों का। अब 1,00,000 रुपए के लिए आप कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे? अब आपके पास पूरा चार्ट है, कैटेगरी दिखाइए जी। कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आपकी जो कैटेगरीज हो चुकी हैं वो है पर्सनैलिटी, सोशल स्टडीज, जर्नल नॉलेज, आपके पास इंग्लिश बचा, मैथ्स, एनिमल किंगडम, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, रिडल्स एंड साइंस। कौन सी कैटेगरी है जो आपको 2,50,000 रुपए पे लेके जाएगी? और याद रखें ये सारा आपका पैसा है। साइंस। 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 अगर इतनी साइंस थी तो ये साइंस क्यों नहीं लड़ाई कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे धोखा देके चला जाएगा। सर अब तो हो गया ना, अब कुछ कर तो सकते नहीं। अच्छा, गलती तुम्हारी थी ना? नहीं, क्यों? अब जिसको आता है वो तो जवाब देगा ना सर। एक एक नॉर्मल सी बात है, वो इतना फिजिक्स बोल नहीं थी तो वो बजर दबा के भी तो बोल सकती थी ना, एंड में भी उन्होंने बजर तो नहीं दबाया ना, मतलब उनको खुद पे भी तो डाउट था, मुझे खुद पे डाउट नहीं था, इसलिए मैंने खेला। बात तो सही करी हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एज ए टीम मेंबर आपको चाहिए था कि उनको सपोर्ट करती, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। आप जीतने आई हुई थी, आपको लग रहा था कि आप ही पैसे जीत रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब मैं अभिया को कुछ नहीं दूंगा, जो जीतेंगी वो आप ही जीतेंगी, क्योंकि 50,00,000 रुपए का सवाल है ना। ओके, आपके पास हमना मौजूद है। हमना, आप दूसरी कैटेगरी इनके साथ खेलने लगी हैं। आपने कैटेगरी कौन सी लॉक की है जी? साइंस। साइंस। स्कूल में साइंस कैसी थी आपकी? आई वाज अ बायो स्टूडेंट। बायो स्टूडेंट आप थी और साइंस आप कह रही हैं इन स्कूल। अच्छा, तो फिर तो साइंस का बड़े इजी से सवाल होते हैं, आपको आने चाहिए। पता नहीं, लेट्स सी। ओके, एक चीट आप इस्तेमाल कर चुकी हैं, दो चीट्स आपके पास अभी हैं। ओके, साइंस का आपका 2,50,000 रुपए का सवाल ये है। व्हाट मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी कंडक्टर है? मैं आपको एक यहाँ कहानी बताता हूँ। पिछले दिनों ना बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं हो रही थी और ना शैबी के घर पानी भी नहीं आ रहा था, तो शैबी ने पानी को गर्म करना था, तो इसने कहा अच्छा कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पानी गर्म कर सकता हूँ।
तो अंदाजा लगाए इन्होंने क्या चीज इस्तेमाल की कि पानी गर्म हो गया। हाँ इलेक्ट्रिसिटी ओके गैस इलेक्ट्रिक गैस गैस से ही होगा ना। नहीं 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 भाई बताएं आप बताएं आप बताएं मैं बताता हूँ। इन्होंने ना इन्होंने इन्होंने अपने अब्बा को टब में खड़ा किया और इन्होंने अपने अब्बा को बताया कि मेरी जेब खर्च ये है। वो इतने गर्म हुए कि पानी उबलना शुरू हो गया। मेरा अब्बा नहीं होगा गीजर होगा। तो ये अक्सर अपने अब्बा को ना इस तरह की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे शेबी कंग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू सो मच। जारी मिल सर नहीं नहीं अच्छा आपको भी पता है मैं आपको आपके नए घर की मुबारकबाद। अरे अरे हाँ खैर मुबारक बढ़िया आपको वहाँ ये सोफा थी यार खुदा का वास्ता है यार। अच्छा तो मुझे बताए कि कौन सा ऐसा जो सबसे बेस्ट मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बजर दबाऊं या बिना बजर दबाऊं? आप सोच भी सकते हैं। अब तो अकेले हो बजाओ ना बजाओ। अब जो मर्जी कर अब तो कोई भी नहीं रोकने वाला। सिल्वर है? सिल्वर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा। ये आप अभी सोच रही हैं अभी आप बजर नहीं दबा रही हैं ओके मगर हमारे बच्चे भी जो है ना इन्होंने तो जवाब दे दिए हुए हैं और आपके पास हम ना है आपकी हेल्प करने के लिए। काम पे गया ओ जी बताइए। सिल्वर सिल्वर आपने कहा इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे अच्छा कहते हैं कि जब प्यार होता है तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है बड़ी फ्लो करती है एक दूसरे के लिए। कभी प्यार हुआ आपको? नहीं बस मेरा नाम नहीं लेना देखो। प्यार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों अभी तक नहीं हुआ प्यार? नहीं हुआ। अरे वाह मेरी आंखों में देख के कहो। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह क्या हो गया शराबिल। शो चल रहा है आप कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई जैसे मेरे। हाँ जैसा हूँ ना। अरे देखो भाई 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 वाला प्यार भी होता है। हाँ होता है ठीक है माँ बाप का प्यार भी होता है तो आपको कोई इनमें से प्यार नहीं है? अब ऐसा नहीं है ऑब्वियसली अपने उनसे तो माँ बाप मतलब पेरेंट्स। कितने बहन भाई हैं आप लोग? टोटल तीन है हम मुझे इंक्लूड करके। अच्छा तीन और आप कौन सा नंबर है आपका? सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं लड़ाकी हैं इसलिए हर जगह धोस जमाती है ना। चले कुछ नहीं होता। आपने कहा सिल्वर ढाई लाख रुपए का सवाल है जी। देखते हैं सिल्वर इज इट ट्रू और नॉट बताइए जी। इट इज ट्रू। आप ढाई लाख रुपए जीत चुकी हैं। मनी ट्री दिखाएं फॉरन मनी ट्री दिखाएं जी। सबसे पहले मनी ट्री दिखा दिया करें। ढाई लाख रुपया आपके पास आ गया है। अब देखो ढाई लाख रुपए में क्या होता है आराम से महीने का खर्चा निकल आएगा। पेट्रोल भी निकल आएगा मोबाइल का खर्चा भी निकल आएगा। फ्रेंड्स को शॉपिंग भी करा ली मैंने। नहीं, थोड़ा खुद करूंगी। हाँ खुद शॉपिंग भी कर ली तो ढाई लाख एक बड़ी अच्छी अमाउंट बहुत अच्छी अमाउंट है। और उसमें से 10,000 रुपए आप देके इसको नई कोटी भी लेके दे सकती है। सर खेलेंगे ना आगे क्यों ऐसे और खेलना है? देखो अभी दो चीट्स हैं ठीक है तो मैं तो कहूंगा आगे खेलो। हाँ हाँ ठीक है क्योंकि आप अच्छा खेल रही हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीट फिर यूज करेंगे। अच्छा वैसे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया फिर तो फिर जीरो है? अच्छा कुछ लेके नहीं मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ आपको कि ढाई लाख रुपए आप अभी ले। नहीं पर दो चीट्स हैं ना तो। हाँ मगर चीट्स के अंदर भी गलती हो जाती है ना मैं ये बता रहा हूँ। तो फिर मेरा दिमाग भी तो है ना मतलब मैं फौरन उनका देख के। आपका दिमाग है वो तो हमें नजर आ गया था जो अभी आपने अपने टीममेट के साथ किया। बड़ा अच्छा दिमाग है आपने उसको कट कराया आपने उसको शो से निकलवाया और अब मैंने नहीं निकलवाया वो खुद वॉक ऑफ करके गए हैं। हाँ वैसे ये तो है वो खुद वॉक ऑफ करके। मैंने उनको नहीं बोला था कि जाओ। नहीं आपने नाखून मारा उसको? अरे मैं क्यों मारूंगी? रो रही थी वो रो रही थी। नहीं वैसे नाखून मारा रो रो के बताया उसने नाखून आपने जोर से मारा। अरे मैंने नहीं मारा मैं क्यों मारूंगी भाई मैं क्यों ऐसे करूंगी दुश्मन थोड़ी थी वो मेरी। अच्छा अब आप बड़ी खुश हैं उस वक्त आप खुश नहीं थी? हाँ उस वक्त भी हंस रही थी। आप बच्चों से पूछ रहे मैं कोई एरोगेंट हुई मैं मतलब ऐसा कुछ किया मैं तो उसी वक्त भी हंस रही थी ना भाई। आप बताएं बच्चों क्या क्या गलती इनकी है या अबिया की गलती है? इनकी इनकी है आंखें नहीं दिखाए। ओए आंखें नहीं दिखाए बच्चे मन के सच्चे। ये बच्चे छठी के बच्चे हैं भाई तो हमारे बच्चों के मुताबिक गलती आपकी। आपको लगता है कि अबिया को एक चांस देना चाहिए था? तो आपको लगता है कि अबिया जो शो से वॉक ऑफ करके गई है वो गलत है? तो गलती उनकी भी है ना फिर थोड़ी सी गलती उनकी भी है लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
ओके, तो अब आपने जो कसर नहीं छोड़ी, अब आप मुझे बताएं 2.5 लाख रुपए आपका लगा दें या दे दें? खेलेंगे ना आगे, 2.5 लाख रुपए ले लो। नहीं खेलेंगे। और ख्वातीन हज़रात, इन्होंने 5 लाख रुपया खेलने के लिए तैयार। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाकर रुकेगी। हम ना थैंक यू वेरी मच आपने जी जी सवाल जोर पूछे, आप पूछे सबसे पहले जोर से। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन से? मैं खुद। हाँ देखा, टीम वर्क का नाम ही नहीं है, मैं खुद जो हूँ मैं खुद। हाँ, मैं IBS में मैं बिल्कुल। थैंक यू अमना, तुम किसी को नहीं मानती। अच्छा ऐसी बात नहीं है, पर प्रायोरिटी हमेशा खुद को देनी चाहिए। ये क्या बात कर दी यार, बात खत्म हो गई। बड़ी अकलमंद की बात की है कि अपने आप को प्रायोरिटी खुद देनी चाहिए। कोई और आगे थोड़ी देगा, आप खुद अपने आप को प्रायोरिटी दो ना, किसी और से एक्सपेक्ट करोगे तो हर्ट होगे। कितनी बार हुई हो? नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पता फिर? बस अंदाजा। कैटेगरीज दिखाइए जी, कैटेगरी के अंदर आप कौन कौन सी कैटेगरीज हो चुकी हैं और देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेलना चाहेंगी। पर्सनालिटी हो गई, सो हाँ फिजिक्स पर्सनालिटी हो गई, सोशल स्टडीज होगी, जनरल नॉलेज होगी, साइंस होगी, आपके पास मैथ्स फिजिक्स बचा है, इंग्लिश है, एनिमल किंगडम है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, ज्योग्राफी और रिडल्स हैं। क्या खेलना चाहेंगी? अब तो फिजिक्स लेनी चाहिए उसकी याद में। मैं तुम्हारी याद में फिजिक्स खेलूंगी। मतलब मजाक से हटके, फिजिक्स वाज द ओनली वन सब्जेक्ट एट दैट टाइम जब मतलब मैं 9th में थी। एक्चुअली आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आगा खान बोर्ड, तो उसमें 9 और 10 दोनों चलता है, मतलब दोनों में होता है। तो इन 9 फिजिक्स वाज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन। अच्छा, और उसके बाद जब मैं 10th में आई, आई जस्ट स्टार्टेड हेटिंग फिजिक्स। क्यों पता नहीं, बस एक्चुअली टीचर चेंज हो गई थी हमारी। तो वो चीटिंग नहीं करवा रही? नहीं चीटिंग की बात नहीं है, मतलब बस मुझे नहीं पसंद था। उसके बाद तो बस नहीं पसंद था, जब तक पसंद था तब तक पसंद था। ये इसके मूड स्विंग होते हैं। हाँ बिल्कुल, लग भी रहा है, लग भी रहा है। हाँ मसला है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। जी जी, सोफा स्विंग भी होता है। मेरा मूड स्विंग होता है, मेरा मुंह पीछे चला जाता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मूड स्विंग जी सर, मेरा ये सवाल है कि आपकी फास्ट फूड में कौन सी फेवरेट डिश है जो स्लो है? फास्ट फूड, फास्ट फूड में कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? यार मुझे सब कुछ पसंद है। आपको सब कुछ पसंद है? हाँ, लाइक फास्ट फूड में सब कुछ। आई एम अ फूड लवर, फ्राइड चिकन, बर्गर्स, पिज़्ज़ास वगैरह सब कुछ, स्पेशली बर्गर। अच्छा बर्गर आपको पसंद है? ओके, चिकन वाला बर्गर पसंद है आपको? ये देखा, ये बर्गर कॉम है हमारी। मैं भी जी सर, आप तो मिनी बर्गर है, आप स्लाइडर हैं अभी, बर्गर नहीं है। हम तो वही चीनी वाला पराठा खा रहे हैं। नहीं सर, आप बर्गर भी नहीं है, आप सड़ा हुआ पराठा है। अच्छा जी, आपने लॉक किया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फिजिक्स पे क्यों नहीं आ रही है? नहीं ना, फिजिक्स लॉक नहीं किया यार, लॉक ही नहीं कर रही वो, मैं क्या करूं? उसको घर में भी तपा रही है वो, घर जाके ज्योग्राफी लॉक कर दिया भाई जान, ज्योग्राफी लॉक कर दिया, मर दिया भाई इसको। हाँ जी, ज्योग्राफी के लिए कौन सा बच्चा आएगा आपके पास, बताइए जी, कौन सा बच्चा ज्योग्राफी के लिए आने वाला है? इब्राहिम। इब्राहिम तुम्हारी बारी में एक हो गई भाई है, एक जा चुकी है। अब इब्राहिम आपके पास 2 कैटेगरीज के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपने अभी लिया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी अच्छी है? सही है। अच्छा हाँ सही है, गूगल मैप देख लेती हूँ मैं। तबीयत नहीं पूछी, ज्योग्राफी पूछी है, क्या सही है? तुमसे पूछा है या मुझसे पूछा है? बेगम लगी हो तुम। अच्छा जी, ज्योग्राफी के लिए आप 2.5 लाख रुपया अपना लगा चुकी हैं। अगर आपने सवाल सही जवाब दे दिया तो 5 लाख रुपया आपका, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो ताँ 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 ताँ। ये क्या बाथरूम वाली आवाज निकाल रहा है, आराम से पुआ 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 होता है तू पुआ 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 पुआ। ये लग रहा है कोई बतख के ऊपर ना पुआ पुआ, कुर्सी करने में बैठ गया। अच्छा जी, आपने अब जो सवाल है 2.5 लाख रुपए का, ओके, और जाहिरी बात है आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके पास 2 चीट्स है। 2.5 लाख रुपए का सवाल, 5 लाख रुपए का सॉरी सवाल ये है आपका, गोरख हिल स्टेशन इज इन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट नहीं नहीं, सेंटेंस कंप्लीट करना है। अच्छा, इज इन डिस्ट्रिक्ट, ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताओ? गोरख धंधा है, ये गोरख धंधा है, बताइए। दुआ जहरा,
अच्छा कभी गोरख गई हैं? वो तो शक्ल से ही लग रहा है, तो ये भी नहीं पता होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है फिर। नहीं ऑब्वियसली पढ़ा तो है। या टुल्ला मारना है मैंने, टुल्ला मैंने मारना है। मैं बड़ा इजी सवाल है वैसे, काफी इजी सवाल। हाँ सोच रही हूँ। दो चीट्स है भी आपके पास, आराम से एक चीट मुझे है आइडियाज के बारे में। चीट्स बाद में, और क्योंकि आगे जाके ना कुछ ऐसे वो भी हैं जो जिसमें मैं थोड़ी कमजोर हूँ, तो अच्छा, ओ, आप वहाँ बचाना चाह रही हैं। अच्छा मुझे बताएं आप, क्योंकि आप अपने बहनों भाइयों में सबसे बड़ी हैं, घर में आपकी चलती है या बहनों भाइयों की चलती है? मेरी बहन जो है वो तो 3 साल की है, तो वो बहुत छोटी है, उसकी चल नहीं सकती ऐसे। पर वो छोटी है लेकिन, मगर वो चलती तो है ना, ऐसा वैसा। हाय 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 क्या बात है। तो माँ बाप की फेवरेट आप हैं? नहीं हम मतलब तीनों बच्चे इक्वल हैं, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। ओ अच्छा कोई फेवरेट नहीं है, ये तो माँ बाप कहते हैं। जी जी उन्होंने ये अभी तक कह के इसको पाला है था। यार हमारे फेवरेट आप तो पल गया ना, बस सही है। अच्छा जी बताइए, कुछ याद आ रहा है? ये फंस गई है उसका, कुछ थोड़ा थोड़ा सा तो याद आ रहा है। ये फंस गई है अभी याद आ रहा है। लग रहा है इब्राहिम भी फंस गया, तुम्हें भी नहीं आता? इब्राहिम भी जो है ना वो डाउट में ही है। अरे क्या हुआ? दादू डिस्ट्रिक्ट। दादू डिस्ट्रिक्ट, ये दादू आपको अपने दादू के नाम से याद आया? हाँ। से याद आया दादू के नाम नहीं, से नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है, I'm not sure for it। अब्बा क्या करते हैं आपके? क्या? अब्बा हजूर क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। दादा हजूर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। वो भी बिजनेसमैन है। किस चीज का? हाँ बताए ना जरा, किस चीज का? सोफे का बिजनेस। सोफे के कपड़ों का बिजनेस करते हैं। एक्चुअली कपड़ों का बिजनेस करते हैं, सोफे का तो नहीं लेकिन एक्चुअली कपड़ों। तो यार कुछ कपड़े यहाँ दे दें, बड़ी जरूरत है। कफन ना बनाते हो? अबे नहीं कफन ही बनाएंगे बेफिक्र। नहीं एक्चुअली मतलब ग्लव्स वगैरह और ग्लव्स, बहुत सारी चीजों का बिजनेस करते हैं। क्या बताऊं, जी बिजनेसमैन पार्टी है, भाभी पैसे लाई, जरूरत ही नहीं है हमारे पैसों की। अभी बिजनेसमैन की बेटी यहाँ पर आई है तो ऑब्वियसली। अरे वाह वाह, तो आपने कहा दादू डिस्ट्रिक्ट, आपने बजर भी दबा दिया, उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि आपने दादू डिस्ट्रिक्ट का। जी तो आपने कहा दादू डिस्ट्रिक्ट, याद रखे आपके पास 2 चीट्स बाकी थे। अगर दादू डिस्ट्रिक्ट करेक्ट है तो आपको मिल गए 5 लाख रुपए जो पूरे आपके हैं, ठीक है। अगर गलत हुआ तो प्वाँ 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 प्वाँ। दिखाएं जी 5 लाख रुपए जीत रही है कि नहीं? दादू डिस्ट्रिक्ट इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। क्या बात है, इसका लक चल रहा है भाई, इसका लक भी चल रहा है, उसका दिमाग भी चल रहा है भाई, तभी ठीक है ना, छात्र दिमाग। अच्छा भाई दादू डिस्ट्रिक्ट आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब अगले पर्सनालिटी की तरफ, सबसे पहले तो मनी ट्री दिखाइए जी, कहां तक पहुंचे हैं? मनी ट्री में आप पहुंच चुकी हैं 5 लाख रुपए पे। भाईजान 5 लाख रुपए लो, दुआ बहुत अच्छी अमाउंट है 5 लाख रुपया, 2-3 महीने आराम से सुकून से। 5 लाख लेके जाने का तो इरादा नहीं है लेकिन मैं सोचूं ब्रेक ले लेते हैं ना, थोड़ा सा मेरे दिमाग को भी सुकून मिलेगा। है ब्रेक क्यों लेंगे हम लोग हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। क्यों? 5 लाख रुपया आ गए अब अगर... खेलना है ना आगे, इसीलिए। अगर खेलना है, अच्छा यहीं से डिसाइड करो। अगर 5 लाख रुपए लेट्स सपोज अगर मैं कैश आउट अभी तुम्हें कर देता हूँ, 5 लाख का क्या करोगी? मम्मा को दूंगी, पापा को दूंगी। खैर वो लोग लेते नहीं है, मैं उन्हें देती भी हूँ तो लेते नहीं है, वो वापस बोलते हैं आप क्या आप रखें। ओके फिर? फिर क्या, फिर बस शॉपिंग करूंगी। 5 लाख क्या शॉपिंग करोगी? बहुत सारी चीजें। क्या अभिया के लिए क्या लोगी? अभिया के लिए क्या लोगी? डिस्प्रीन फिजिक्स की बुक्स। नाइस आइडिया, आई लाइक इट। हाँ वैसे फिजिक्स की बुक। अब तो 5 लाख रुपए पूरा तुम्हारा है, अब तो 2.5 लाख रुपए भी नहीं देना तुमने, है ना? आप शॉपिंग भी करेंगे और फास्ट फूड भी खाएंगी? अरे शॉपिंग भी करेंगी, आपको भी खिलाऊंगी। अरे 50-50 कर ले। हाँ 50-50 नहीं, आप नहीं बात करें मुझसे जी, क्योंकि आपने ही मुझसे कहा था ना कि आपकी गलती है सारी, तो मेरे जहन में है। मैं आपसे 50-50 नहीं करूंगी ना, आपने जब मुझे एक दफा बोल दिया तो फिर मैं आपसे क्यों करूं? जी भाईजान बताए ना आपके साथ क्यों करेंगे? कैसी लड़ाका, हम दोनों फिर कर लेंगे। चले भाई आपको 5 लाख रुपए अगर मिल गया तो आपने कहा कि मैं शॉपिंग करूंगी, ठीक है ना?
5 लाख रुपए बड़े होते हैं शॉपिंग के लिए, लो आराम से घर जाओ। नहीं क्या खेलना है ना, तो फिर क्यों बात करी, बजर दबा दो ना। अच्छा बजर दबाने, अगर बजर दबाओगी तो 5 लाख रुपए गया। क्या बोलते हो बच्चों, दबा दूं? दबा दे, दबा दे, दबा दे। बात में अगर मनी ट्री दिखाए, मनी ट्री दिखाए, देखे मनी ट्री में आप 5 लाख रुपए पे हैं, अगर आप अभी बजर दबा देती हैं तो वो 5 लाख रुपए गया और 7.5 लाख रुपया, 2 चीट्स बाकी हैं। दो चीट बाकी है ना, दो चीट्स बाकी है। क्या बच्चों ने कह दिया कि दबा दिया, दो चीट्स भी बाकी हैं। आप हारेंगी, नाम हम पे आएगा। हम लोग हमने कोई किया भाई, तो चीट्स भी तो बाकी है ना। तो अहमद बट क्या कह रहे, 90% बच्चे ठीक होते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि गॉसिप बहुत गर्म हो गई है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हमारी मैडम जो है वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही, कॉन्फिडेंस हुई है। उन्होंने वैसे दबा तो दिया है, अब आपका ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए चला गया। आपने बजर दबा दिया है ना, एक दफा फिर से दबा देता कि हम लोगों की श्योरिटी हो जाए। ब्रेक के बाद अच्छा जी, ब्रेक के बाद मालूम होता है कि क्या ये 5 लाख रुपए हमसे कैश ले रही है या ये 7.5 लाख रुपए के लिए डाइव मारने लगी है। Don't go anywhere, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छोटी के बच्चे, आपके अच्छे। आप देख रहे हैं चटी के बच्चे, आपसे अच्छे। ब्रेक पे जाने से पहले अभी तक आपको बता दे क्या हुआ, हमारे पास काफी ड्रामा हो चुका है। 2 कंटेस्टेंट्स यहां आए थे, एक का नाम था अभिया और दूसरे का नाम था दुआ। दुआ ने अभिया को बद्दुआ दी और वो यहां से चली गई, लड़के गई, अपनी टीम मेंबर को छोड़ के चली गई। इसलिए अब दुआ अकेली यहां खड़ी है और 5 लाख रुपए जीत चुकी है। 5 लाख रुपए ये पूरा का पूरा इन्हीं का है, बिकॉज इनका टीम मेंबर जो था वो वॉकआउट करके चला गया, इसलिए शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। ओके, 5 लाख रुपए के लिए अब आपने डिसाइड करना है क्या आप 7.5 लाख रुपए के लिए खेलना चाहेंगी या आप 5 लाख रुपए लेके शॉपिंग करें, 2-3 महीने आपके आराम से गुजर जाएंगे। दुआ नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं, दुआ नहीं खेलेंगे ना। 2 चीट्स बाकी हैं बाय द वे। हाँ खेलेंगे, खेलेंगे, चलो अभी एक चीट तो है ना, एक दो को नहीं रखो, एक को रखो। ज्ञान आप क्या कहते हैं, इनको खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, वो कह रहे खेलना चाहिए ताकि ये हारे और हम साबित कर दें कि छठी के बच्चे वाकई ही सबसे अच्छे हैं। यार ये बहुत ही ईवल बच्चा है, कमाल का, वाह वाह वाह, क्या भैया हारी ताकि फिर हम हारी, ये सही मिशन में निकला हुआ है, वाह वाह वाह। मूसा क्या कहते हैं, इनको खेलना चाहिए आगे? खेलना तो चाहिए, क्यों? ताकि हारे, हार जाए, 50-50 नहीं कर रही थी मुझसे। अरे तलबिया क्या करना चाहिए इनको? हारना चाहिए, चाहिए। देखे सारे बच्चे जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या बात, इंतहार से ज्यादा करते हैं, तो दिख रहा है वो मुझे। अच्छा हम तुम भी यही सोचते हो, हम ना आप बताएं, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, वो कह रही खेलना। रीजन एन इब्राहिम सर आप क्या कह रहे हैं? जीतना चाहिए, खेलना चाहिए, जीतना चाहिए। ओके आप हेल्प करेंगे इनकी, अभी तो आपका पटाखा निकल गया था ये सवाल के ऊपर। चले जी अब वो सब कह रहे हैं खेलना चाहिए, अब आप बताएं बजर दबाएंगे तो आपका 5 लाख रुपया मेरी तरफ ना गया। खातिन हजरात अब आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है, आप 5 लाख रुपया लगा चुकी हैं, अब अगर आपका सवाल का जवाब सही हुआ तो आप 7.5 लाख रुपये यहाँ से लेके जाएंगी, अगर गलत हुआ तो अलग ही फिटिंग हुई है बच्चों की, ये अपना सही करवाए कुछ, इसका पुआं पुआं बहुत बुरा है भाई ना भाई, बहुत। अच्छा जी इनका पुआं 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 आप छोड़ दें, लेकिन अब आप 5 लाख रुपए लगा चुकी हैं, 7.5 लाख रुपए के लिए कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगी? कैटेगरीज दिखाएं जी, कैटेगरीज इनके पास कौन सी रह गई हैं? ओके जी कैटेगरीज में आप पर्सनैलिटी चली गई, सोशल स्टडीज चली गई, जनरल नॉलेज चली गई, ज्योग्राफी चली गई, साइंस चली गई, पीछे बचा इंग्लिश, एनिमल किंगडम, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिडल्स, फिजिक्स और मैथ्स। बताइए तेरी कौन सी अच्छी है? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, वो कह रहे मेरी स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी। कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगी जो आपको? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। तो हम रबीत राउंड खेलने वाले हैं, रबीत एक हमारे पास कंटेस्टेंट आए थे जो वर्थ रिमेम्बरिंग नहीं थे,
लेकिन फिर भी हम उनको रिमेम्बर करते हैं, जब भी इंग्लिश कोई चूज करता है हम कहते हैं रबीत राउंड। सही। तो आप इंग्लिश खेलना चाहेंगे? जी। ऑल द प्रोसीड्स विल गो टू द मै बॉडी ऑफ द रबीट्स। ओके ओके। इंग्लिश आप अगर बजर दबाएंगी तो मैं लॉक कर दूंगा। आउच आउच आउच। दबा दो बजर, दबा दो इंग्लिश। प्रेस इट, प्रेस इट बेटे, आप तो दबाना ही पड़ेगा। अब तो क्या क्या है, इंग्लिश तो लॉक हो गया है। ओके जी, इंग्लिश इन्होंने लॉक किया है 7.5 लाख रुपए के लिए। इंग्लिश का आपका सवाल ये है, देखो बेटा कैसा होता है सवाल। व्हाट डज अ डाइम अ डजन मींस? इट्स एन इडियम। डाइम अ डजन का क्या मतलब होता है? बस बस, डाइम अ डजन इडियम है। कंफ्यूज हो गए, इसका चेहरा बता रहा है। इट इज द इंग्लिश ऑफ द टफ ऑफ द गिव यू ऑफ द क्वेश्चन। थाउजेंड अपोलॉजीज। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल में इंग्लिश में कितने मार्क्स आते थे? अच्छे ही आए हमेशा, बुरे तो नहीं आए। वहां तो अच्छे ही आए। वहां टीचर चेंज हुई थी? नहीं, फिजिक्स की बस चेंज हुई थी। लेकिन फिजिक्स तो खैर आप 9-10 में आके पढ़ते हो, 8 तक तो फिजिक्स नहीं था, तो 9-10 मैटर करता है। लाइक यस एंड यू वर बोर्न इन इंग्लिश? नो। अच्छा नहीं। अच्छा भाई, अब आपने अंग्रेजी का ये जो idiom था आपके सामने है, dime a dozen का क्या मतलब होता है। इंग्लिश की फेवरेट कोई बुक, नॉवल वगैरह कभी कुछ पढ़ा हो? नहीं, मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ती। क्या पढ़ती हैं आप? स्टेटस। मैं नॉर्मली आर्टिकल्स वगैरह कभी होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख लेती हूँ किसी चीज पे, दैट्स ऑल। मतलब दोस्ती पे डॉक्यूमेंट्री कभी देखी है? मैंने देखी आज। आज मैंने भी देख ली है। आज हमने एनिमल किंगडम देखी। वेरी नाइस। ओके क्या आ रहा है फिर माइंड में? आ रहा है कुछ 7.5 लाख रुपए है। 7.5 लाख। चीट है यार, चीट है तुम्हारे पास। मैं खुद जवाब दूंगी। एक तो ये जो होता है ना, मैं खुद जवाब दूंगी। बदतमीज लड़की। जवाब देने में बजर दबा दिया इसे, आप चीटी हैं, आप ले सकती। समथिंग कॉमन। डाइम अ डजन आप कह रही है मींस समथिंग कॉमन। जी। डाइम अ डजन मींस समथिंग कॉमन। जी। डजन का क्या मतलब होता है? डजन का क्या मतलब? ये होता मतलब, मुझे आज पता चला। ऐसे तो हमने नॉर्मली नॉर्मल डे रूटीन में तो हम ऐसे सुनते हैं, 12 डजन के अंडे ले ले। 12 डजन के अंडे ले ले। 12 डजन के अंडे ले ले। 1 डजन का अंडा ले ले, उसमें 12 अंडे होते हैं समथिंग कुछ। अच्छा, 1 डजन का अंडा में कितने अंडे होते हैं? 1 डजन अंडा में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं ना। 12 अंडे। 12 होते हैं। ओके, सो डाइम अ डजन का मतलब क्या हो गया? समथिंग कॉमन। 5 डजन वाली मुझे कोई चीजें बताएं आप। मुझे क्या पता। डजन, एक तो अंडा हो गया, डजन अंडा है। सर मैं बताऊं? अच्छा, डजन बताओ। बस अंडा ही सुना है मैंने और कुछ। अच्छा, आपने अंडा ही सुना, तो डाइम अ डजन आपने कहा समथिंग कॉमन। तो क्या मतलब? अरे चेक करें ना। अरे चेक करें ना, आप क्या कर रहे हैं? चेक करें आप, चेक हो गया है क्या? हो गया ये तो भाई जान, आपको पता है डाइम अ डजन क्या होता है? आप बताएं। डजन सही बोल रहे, वो जो बताया उन्होंने कि 1 दर्जन अंडे 6 होते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि 12 होते। असल में जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपके वालिद साहब ने कहा था ये देखो डाइम अ डजन। मैं अकेला हुआ था, मैं रश में नहीं आया था। अच्छा, रश में नहीं आए थे। अच्छा चले, अच्छी बात है। आप कह रही, वो देखो परेशान हो, परेशान खुद भी नहीं समझ आ रही मैं क्या। अभी याद आई इसको। अब मजे की बात है, उसने बजर भी दबा दिए शोखी में आके, अब वो चीट भी नहीं ले सकती। ऊपर से डाइम अ डजन, उसने कहा कि 12 डजन जो होते हैं वो अंडे होते हैं, वो 6 होते हैं। 1 डजन में 6 अंडे होते हैं। 1 डजन में या 1 दर्जन में? 1 डजन में। अच्छा, डजन को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ चलो, 1 दर्जन कुछ इतना ऐसे ही बोलते हैं, अजीब सा पता नहीं है। अच्छा, कुछ अजीब सा ही बोलते हैं। उर्दू से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नहीं बेटा आपका। अच्छा, घर में अंडे बनाती हो? हाँ। खुद बनाती हो? हाँ, कभी बना लेती हूँ। कभी? हाँ, जब खाना होता है तो बना लेती हूँ। अच्छा, कभी जब खाना होता है। कौन सा बनाते हो? डजन। अब मैं यार पूछने तो देना, तो जो अंडे घर में कौन लेके आता है? अब्बू, भाई, ड्राइवर, मतलब सब लेके आते सिवाय तुम्हारे। हाँ, मैं नहीं लाती, मैं क्यों लाऊं?
हाँ तुम तो प्रिंसेस हो ना। नहीं प्रिंसेस की बात नहीं है, मैं क्यों लाऊं जब ड्राइवर अंकल ले आते हैं या भाई ले आता है तो बस वो लोग ले आते हैं, मैं क्यों लाऊं। जब डजन लोग हैं घर में जो डजन डजन अंडे लेके आ सकते हैं तो मैं क्यों लेके आऊं। सही बात है। मैं शॉपिंग करती हूँ ना अपनी, बस बहुत है। ओके आपने कहा कि डाइम और डजन का मतलब होता है समथिंग दर्जन। नहीं नहीं क्या समथिंग कॉमन। समथिंग कॉमन डाइम और डजन मीन्स के एक समथिंग कॉमन सी, कॉमन के मिलती जुलती या आम सी। आम सी मतलब ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो मसला ये है कौन सा बताओ। समथिंग कॉमन। समथिंग कॉमन। अब कॉमन दो तरह के होते हैं, कि कॉमन एक होता है कि यार दोनों बिल्कुल कॉमन है, या कॉमन आम वाला होता है कि दोनों में चीज़ें भाई इन दोनों बच्चों में कुछ कॉमन है। एक ये कॉमन होता है। दूसरा कॉमन होता है कि आम, बिल्कुल आम सी चीज़। बताओ आम वाला कॉमन है। आम वाला कि आम सी चीज़। हाँ, है आम। अच्छा ओके आपने कहा कि आम वाला कॉमन है। ओके जी लॉक कर दे, अब तो लॉक होगा ही। आपने कहा कि डाइम डजन का मतलब होता है आम सी चीज़। अच्छा ना। चले जी बताए हैं ये डजन कॉमन है, ट्रू है कि नहीं। अल्लाह क्या बात है, आज के बाद तुमने 12 अंडे लेने और तुमने डजन डजन बस ये अंडे रख के रहा तुमने 12 दफा बल्कि डजन कहना है। ओके अच्छा जी इब्राहिम साहब थैंक यू वेरी मच। 12 होते हैं 6 होते हैं। अब 12 होते हैं। ओए 12 ही होते हैं ये। दर्जन केले भी आते हैं। दर्जन केले भी होते हैं। 12 अंडे आते हैं 6 अंडे आते हैं। यार ये हम मुर्गी को कॉल किया, कहा मुर्गी है इसको बात करो। बेटे तुम्हारी मुर्गी जो है ना वो 6 ही देगी, नॉर्मली जो बाजार में होती है वो 12 देती है। तो सही तो बोला था मैंने। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रही है। कंफ्यूज क्यों आप कर रहे हो ना। अच्छा आई जी मनी ट्री दिखाइए, मनी ट्री दिखाइए जी। 7.5 लाख रुपए आप पहुंच चुकी है। ओह माय गॉड। अब खुदा के वास्ते 7.5 लाख रुपए लो घर जाओ। 7.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है ठीक है। और ये सारी की सारी तुम्हारी है। अभी तो क्योंकि वॉकआउट करके तो मुंह भी नहीं लगाएगी इसको। तो 7.5 लाख रुपया और 2 चीट्स आपके पास बाकी हैं। मेरा ख्याल है आप 7.5 लाख रुपया लें, विन विन सिचुएशन है, जाओ घर जाओ। बोल सही रहे आप। खेलते हैं। उफ तौबा बहुत ही लालची हो रहे थे भाई। क्यों खेलना चाह रही हो। बस खेलेंगे, क्यों खेलने के लिए आए ना, कुछ ना मिला तो ना फिर नसीब और क्या। मैं अभी भी कह रहा हूँ 7.5 लाख रुपए लो घर जाओ। हाँ नहीं नहीं खेलेंगे, अभी फिजिक्स रहता है ना वो भी जीत के जाएंगे। उफ तो बस तो या ला लालच बुरी बला है। हम लोग यहाँ हरे को कहते हैं। ये तो घर जाके बोलेगी अभिया बुरी बला है। देखा ना अगर फिजिक्स बताए 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 बजर दबाए। नहीं फंसा रहे, फंस जाएगी। पहले बजर लॉक तो करे, पैसे तो लॉक करे। 7.5 लाख रुपए लॉक कर रहे हैं कि नहीं। जल्दी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और ख्वातीन 7.5 लाख रुपए लग चुके हैं दाव पे। जीत गई तो 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, अगर आप हार गई तो पुए, पुए, पुए। इसका कहते पुए पुए पुए। वाह वाह वाह। अच्छा जी आइए कैटेगरीज देखते हैं, कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बचा है आपके पास। पर्सनैलिटी होगी, इंग्लिश होगी, सोशल स्टडीज होगी, जनरल नॉलेज होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, मैथ्स, फिजिक्स, एनिमल किंगडम, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिडल्स। क्या लोगे बेटे, क्या लोगे? रिडल्स लो, रिडल्स। व्हाट? सर पहले ही कहा था फिजिक्स पे खेलूंगी। फिजिक्स पे खेलोगी पक्का? हाय 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 हाय। ये तुम अभिया को नीचा दिखाने के लिए खेल लियो वाले। मुझे लग रहा है ये अभिया को दिखाने के लिए कर रही है। नहीं नहीं ऐसे ही बस दिल कह रहा है मेरा तो मैंने फिजिक्स। फिजिक्स तो फिर दबाओ। ओके जी फिजिक्स लॉक होगी। फिजिक्स इस बच्चे की अच्छी है। अभी तक आपने इब्राहिम ले लिया, ज़ियान ले लिया, मूसब ले लिया, हमना ले ली, अब तलबिया। तलबिया आ जाए। Very nice, तलबिया। क्या बात है। आज अगली 2 कैटेगरी आपके साथ तलबिया खेलेंगी। आपका 7.5 लाख रुपए का सवाल जो आपको 10 लाख रुपया या तो जितवा सकता है या आप यहाँ से जी दिखाए 10 लाख रुपए का सवाल क्या होता है। Does an atom have a color? If your answer is yes, then which color is that?
बताओ भाई फिजिक्स क्यों लिया मैंने फिजिक्स बताएं जी आप बताएं एटम का कभी कलर देखा है कभी एटम देखा है और डजन एटम देखिए अच्छा अंडे में ना 12 ही अंडे होते हैं अच्छा बिल्कुल अब तो आपको पता लग गया है अब तो आपको पता लग गया है अब तो सारी जिंदगी याद रहेगा ये किस मुर्गे तो मैंने ही 12 बोले थे आप ये 6 बोल रहे आपने थे आपने पहले 6 कहे थे उसके मुंह पे 6 बजे हुए और आप अभी कह रही 6 बोले इसने भाई जी बिल्कुल अच्छा जी बताइए एटम 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 बम याद है आप कह रही हैं एटम वैसे वैसे एटम ट्रिक क्वेश्चन भी होता है हाँ कि भाई अगर एटम का कलर है तो बताएं क्या पता एटम का कलर ही ना हो क्या पता एटम का कलर भाईजान की जैकेट जैसा हो यार फाड़ दूँ फाड़ दूँ जैकेट हाँ भाई क्या सोच रही हैं आप अच्छा फिजिक्स में वाकई मेरे ख्याल से जीरो ही हो हाँ, जो लिया था जिसको अकल थी उसको सही निकलवा लिया फिर वो चीट ले लो यार अभी तो दो चीट्स पड़ी हुई है लो आराम से चीट लो एक तो ये भी नहीं मैं खुद जीतूंगी क्योंकि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बताइए चलो जी सब गाएंगे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा सत्यानाश करेगा डजन काम करेगा डजन काम करेगा डजन काम करेगा जवाब देना है इसका जी बताइए हाँ अभी तक तो दिया है अब ये भी दे दो वो तो लग रहा है मुझे लग रहा है ये अभी की हाई लगेगी चीट लेगी अभी अभी चीट लेगी देखना जी बजर दबाएं चीट ले लें बताइए क्या सोच रही है दुआ अबे क्या सोच रही हो रॉकेट साइंस चले यस ब्लैक कलर तो मैं अपने आप से बात करी बजर तो दबाए वे चीट भी नहीं ले रही क्या ये अब चीट नहीं ले सकती अब ये चीट नहीं ले सकती इसने बजर दबा दी जी बताइए यस ब्लैक कलर बच्चों आंखें एटम ब्लैक कलर एटम का कलर ब्लैक होता है आपने कहा एटम का कलर ब्लैक होता है तो शेबी एटम ओके जी अगर एटम का कलर ब्लैक होता है तो देखते हैं कि क्या होता है खवातीन हजरात आपने 7.5 लाख रुपया मैंने आपको कहा था गवा दिए ठीक है ना ब्लैक कलर क्या सोच के बोला बस ऐसे ही बोल दिया बस ऐसे ही बोल दिया खवातीन हजरात देखते हैं 7.5 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बनाती हैं कि नहीं ट्रू और फॉल्स ये तो अजीब वाकया पेश आ गया इनके साथ हाँ ने भी एक शेर याद आया जी सर क्या शेर याद आया आपको अर्ज करता हूँ यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया आपने यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया आपने फूलों में छुपा खंजर नहीं देखा था आपने ख्वातीन हज़रात इसके साथ ही जो हाई लग रही थी आपको अभी लग वो लग गई और आप यहां से लेके जा रही हैं वापसी का किराया और नेक दुआएं दुआ के लिए बहुत बहुत तालियां ख्वातीन हज़रात 7.5 लाख रुपए इन्होंने डुबो दिया अपना और ये घर जा रही हैं बहुत बहुत ही नेक दुआएं हमारे साथ लेके लेकिन आप घर बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं क्योंकि आप लोगों का सवाल है ये सवाल का जवाब गौर से हमारा सवाल व्हाट जंप्स व्हेन इट वॉक्स एंड सिट्स व्हेन इट स्टैंड्स आय हाय हाय ये तो रिडल लग रही है खातिन हजरात आपने #  छठी के बच्चे लिख के इसका जवाब देना है जब आप जवाब देंगे अगले हफ्ते हम आपका अनाउंस करेंगे नाम और आप घर बैठे 50,000 रुपए जीत सकते हैं उस 50,000 रुपए में से 10,000 रुपया दुआ को दे दीजिएगा क्योंकि उसका मूड वाकई बहुत ऑफ हो गया है दुआ अभी खातिन आजाद ये होता है जब आप अपनी टीम प्लेयर के साथ नाइंसाफी करते हैं लेकिन थैंक यू वेरी मच दुआ यू प्लेड रियली वेल अगर आप तो अपने चीट्स ले लेती तो शायद आप जीत जाती थैंक यू वेरी मच आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे क्लेवर शो जिसका नाम है छड़ी के बच्चे आप सबसे अपना ख्याल रखें पाकिस्तान का ख्याल रखें छड़ी के बच्चे
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।